नमस्कार। शिक्षा नंबर वन में आप सभी का स्वागत है, आपके दोस्त ऋषभ के साथ। आज मैं काफी दुखी और उदास हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए सीबीएसई को लेके। सीबीएसई को लेके जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक हाईली रेप्यूटेड एक एजुकेशन बोर्ड है हमारे देश का, जिसको पूरे देश में एक काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। लेकिन एक जो फैसला सीबीएसई ने लिया है उसको लेकर मैं काफी ज्यादा नाखुश हूँ। मैं ही नहीं, मेरे साथ कई लाख बच्चे भी नाखुश हैं। उनका फ्यूचर, उनके आने वाला जनरेशन सब दाव पे लग गया है। केवल और केवल सिर्फ एक सीबीएसई के गलत फैसले से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कुछ दिन लाइव गया था कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो कि पत्राचार्य वाले प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। उनकी काफी ज्यादा मांग थी कि सर हमारे साथ काफी बड़ा धोखा क्यों हुआ है, और सीबीएसई से लेके हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय, मैं अपने देश के सुप्रीम कोर्ट की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो देखने के बाद मेरा तो क्या हर किसी का भरोसा उड़ जाएगा। कि आपको एक बार तो बच्चे के बारे में सोचना ही चाहिए था कि जिस तरीके से सीबीएसई ने अपना ये जो पत्राचार्य की डेटशीट दी है, और वहां पे एक जो डेटशीट भी निकाली है उसमें कंपार्टमेंट टैग किया है, ये काफी ज्यादा निराशाजनक है कि आप स्टूडेंट को किस तरीके किस बिहाफ पे आप उनको कंपार्टमेंट स्टूडेंट की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि उनमें से कई बच्चे ऐसे जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर वो किसी अन्य संस्थान में एडमिशन लेने के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको बताया भी नहीं या आपके पास कह रहे कि डाटा नहीं है, और अब वो बेचारे फंस चुके हैं आपके जाल में कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो कहाँ क्या करे और क्या नहीं करे। क्योंकि आपने उनको फंसा दिया एक तरह से लाके बीच राह पे कि भैया आपको एक पेपर देना ही पड़ेगा, और उनके पास दिन भी कम है, और जो डेट शीट भी बनाई है उसमें कई स्टूडेंट्स को भी काफी कम समय मिला है, और किस तरीके से, और ड्यू में तो एडमिशन का तो छोड़िए, क्योंकि ड्यू के एडमिशन चालू हो चुके हैं, रेगुलर कॉलेज के वैसे ही कोटा फुल हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि कट ऑफ कितने हाई निकलते हैं। तो ड्यू में तो उनका एडमिशन गया। तकरीबन तकरीबन 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका फ्यूचर सीबीएसई इस साल बर्बाद कर रहा है। मुझे नहीं पता कि अगर भगवान ना करे कि कोरोना किस तरीके से लहर रही, तो आने वाले 3-4 लाख बच्चे और रहेंगे। तो अगर इसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम में चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में जो हमारे देश के भविष्य खराब होने वाला है। तो इसको लेके काफी ज्यादा मैं निराश हूँ, और मेरी उन बच्चों से बात भी होती है, कई बच्चों से, तो वो कहते हैं कि सर क्या करे, परेशान है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा है। इवन मैं भी हेल्पलेस हो चुका हूँ कि मैं क्या करूँ उनके लिए, क्योंकि मैंने भी आप लोगों से गुहार लगाई थी कि आप लोग एक हो और ये जो अन्याय हुआ है उसको लेके आवाज उठाए, क्योंकि हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं हमारे देश के एजुकेशन बोर्ड की, हमारे जो देश की कानून व्यवस्था है सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन उसी तरीके से हम उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप भी जो हमारे देश के नागरिक है उनका सम्मान करें, उनके बारे में भी सोचे, उनके हित में फैसला ले, ना कि उनके अहित में। क्योंकि जो ये फैसला लिया गया है, जो कि डेटशीट दे दी गई है 25 तारीख से पेपर स्टार्ट करेंगे, देन कैसे तैयारी करेंगे बच्चे, जो बच्चे दिल्ली में नहीं जो बाहर रहते हैं वो कैसे तैयारी करेंगे। अगर मान लो पेपर की तैयारी भी करते तो उनका रिजल्ट का भी पता नहीं कि उनका आगे एडमिशन होना है कि नहीं होना है। उनका अपने पूरा एक फैसले से, अपने एक फैसले से उनका पूरा एक साल बर्बाद कर दिया। एक ऐसे फैसले से आपने पूरा उनका एक साल बर्बाद कर दिया जो काफी ज्यादा निराशजनक है। मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे कभी सीबीएसई को माफ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी टाइम है सीबीएसई के पास कि भैया आप उनके एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए, आप उनके जो रिजल्ट है उसको लेके जल्दी से जल्दी शेड्यूल बनाए, और उन बच्चों के एडमिशन के प्रोसेस को आप लेके उनको क्लैरिफाई करें, या फिर उनके लिए एक रिजर्व कोटा करें कि हाँ आपको एडमिशन में ये दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप लोग ने तो बस एक फैसले के साथ उनका पूरा साल बर्बाद कर दिया। तो मेरे को ये इस चीज को लेके आपके पास आना पड़ा, और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा खेद है सीबीएसई को फैसले को लेके। अगर आप स्टूडेंट या प्राइवेट पत्राचार्य, मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, तो
मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास यही है कि देखो, हिम्मत मत हारना, होप मत हारना, क्योंकि लाइफ कभी नहीं रुकती। भले आपके साथ सीबीएसई ने न्याय किया हो, लेकिन आपकी लाइफ कभी नहीं रुकेगी। आप हिम्मत रखे, हौसला बुलंद रखे अपना, और मुझे पता है कि आप इस हौसले के साथ अपनी लाइफ को आगे लेके जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि अगर अभी भी टाइम है, सीबीएसई के पास जितने भी प्रशासन है, अगर आप मेरी वीडियो तक देख रहे हैं, तो प्लीज आप ये कैंसिल करवाए एग्जाम, उनके साथ प्लीज जस्टिफिकेशन करें, ऐसा न्याय ना करें। वो भी बच्चे हैं, उनको भी कोरोना हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने बच्चों को कोरोना हो रहा है और थर्ड वेव सर पे खड़ी है। तो क्या ये सही समय एग्जाम लेने का, जहाँ पे हम सिविल सर्विस जैसे कई कई सर्विस जैसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स को हम रुकवा सकते, तो क्या 10th क्लास 12th क्लास के बच्चों को नहीं रुकवाया जा सकता? तो मेरी एजुकेशन बोर्ड से प्लस सीबीएसई से यही अपील है कि प्लीज, हमारे आपके लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, प्लीज बच्चों के एग्जाम कैंसिल कीजिए। आप प्लीज उनके बात सुनिए एक बार, आप उनकी बात को समझने कि वो कहना क्या चाहते हैं। आई होप, मुझे ज्यादा और कुछ कहने का नहीं है इस पे। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को एग्जाम कैंसिल हो, ताकि वो अपने भविष्य को आगे सिक्योर कर सके, बर्बाद ना हो उनका फ्यूचर। प्लीज आप उनके फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। मेरी भी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे साथ साथ जितने भी एजुकेटर्स हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कहीं पे भी है, तो प्लीज आप भी बच्चों का साथ दे और मांग करें सीबीएसई से कि उनके रिजल्ट जल्द से जल्द आए और उनकी मांग को पूरी की जाए। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये बात सीबीएसई तक तो जरूर पहुंचे। कहीं ना पहुंचे तो भैया सीबीएसई तक जरूर पहुंचे, क्योंकि वो भी बच्चे, आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इन बच्चों के साथ अन्याय मत करें, इनके खिलाफ जो भी इनके हक में हो सके, उस पर आप जल्दी से जल्दी कोई उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद आप सभी का।